हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू माय चैनल। बना रहे अपना घर, ऑफिस या कोई कमर्शियल बिल्डिंग और सोच रहे हैं कौन सा मटेरियल यूज करें डिफरेंट पार्टीशंस के लिए, फ्लोरिंग के लिए, सीलिंग के लिए, तो डेफिनेटली मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना रहा हूँ और आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं। तो आज हम जिस मटेरियल की बात करना चाहते हैं, बेसिकली एक ऐसा मटेरियल के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैंने बहुत पहले देखा था। इनफैक्ट काफ़ी टाइम से वो मटेरियल इंडस्ट्री में है, ऐसे बात नहीं कि वो नया है बिल्कुल, बट उसका अब यूजेज काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। मतलब मेरी सिटी में जो मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में, आपके वहाँ क्या पता कर सकते हैं। तो मेरे पास जो मटेरियल वो है ये थोड़ा सा रफ मटेरियल लग रहा है गाइस, और मेरे पास इसके सैंपल भी हैं बेसिकली कंपनीज़ के, जो इसके कंपनीज़ के सैंपल होते हैं। ये मेरे पास एक अच्छा सा सैंपल है। तो बस ये जो चीज़ है वो है सीमेंट पार्टिकल बोर्ड। नाउ सीमेंट पार्टिकल बोर्ड होता क्या है और कहाँ इसका यूज़ होता है, क्या कॉस्टिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्या प्रॉपर्टीज़ आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि मैं बहुत ही डीप में जाऊँगा टेक्निकल डिटेल्स के अंदर, जो शायद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है एज एन आर्किटेक्ट और इंजीनियर। तो सीमेंट पार्टिकल बोर्ड इसको बोलते हैं। काफ़ी सारी कंपनियाज ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड पर वो काम कर रही है। इंडिया में शायद कुछ लिमिटेड कंपनी है। मेरे पास जो ये प्रोडक्ट है वो बेसिकली है NCL इंडस्ट्रीज़ का, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। उन्होंने ही, उनका प्लांट है शायद आंध्र प्रदेश में और वो लोग इस पर काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। तो इसीलिए अगर बात करें सीमेंट पार्टिकल बोर्ड की, तो इस बोर्ड में बेसिकली होता क्या, अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो ये 62% इसके अंदर जो होता है वो होता है सीमेंट, और 28% वुड होता है, और उसके बाद में 10% वाटर और केमिकल्स को मिला के इसकी प्रोसेसिंग करके इसको तैयार किया जाता है। जो इसमें वुड होता है वो बेसिकली वुड चिप्स होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके सो या सो दिस इज, ये बेसिकली वुड है और इसको प्रोसेसिंग करके इसको बनाया जाता है, और तभी अगर इसका आप एक नेचुरल कलर देखेंगे वो सीमेंट का ही होता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है, बिकॉज द रीज़न वाई मुझे अच्छा लगता है बिकॉज इसमें जो स्क्रैप को यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो जो भी वुड का कचरा होता है बेसिकली उसको यूटिलाइज करके एक मटेरियल बना रहे हैं जो अपने आप में काफ़ी इनोवेटिव है। और इस मेरे पास ये मटेरियल बेसिकली ये प्लेन टेक्सचर है, आप देख सकते हैं, और एक ये थोड़ा सा ये रफ टेक्सचर, ये भी अच्छा डिज़ाइन लगता है, इस पर पेंट करवा के कुछ कर सकते हैं। तो ये बोर्ड की थोड़ी सी अगर हिस्ट्री जाने तो ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बना जाता है, क्योंकि शायद इसको जर्मनी में साइंटिस्ट और रिसर्चर ने इस मटेरियल को बनाया होगा। मेरे पास और भी डिटेल्स है वो आपको शेयर करूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी जो डेंसिटी है वो है 1250 kgs पर मीटर क्यूब एवरेज। मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 9% प्लस 3.5% एट फैक्टर पॉइंट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3000 Nm/mm². बेंडिंग स्ट्रेंथ है इसकी 9 Nm/mm². ट्रांसफर टेंसर स्ट्रेंथ है 0.4 Nm/mm². कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो कि परपेंडिकुलर टू द सर्फेस है वो 15 Nm/mm² है। सर्फेस एल्किनिटी जो pH है ये क्यों जानना जरूरी है मैं आपको बताऊंगा, इसका रीजन वो है बिटवीन 11 to 13। नेल होल्डिंग पावर परपेंडिकुलर टू सर्फेस इज 205 यानी परपेंडिकुलर टू सर्फेस, और स्क्रू होल्डिंग है 312 kgs। नेक्स्ट बात करते हैं क्या ये बोर्ड फायर रेजिस्टेंस है। यस बिल्कुल है, ये फायर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये सीमेंट का बना है। इसका जो कवर रहता है काफ़ी पोर्शन सीमेंट्स का है, तो ज़्यादा हमें चिंता करने वाली बात नहीं है। वेदर रेजिस्टेंस भी है क्योंकि 62% में सीमेंट है, और बायोलॉजिकली की बात करें तो ये हमारे पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। साउंड इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छा रहता है इसका। देखो साउंड इंसुलेशन डिपेंड करता है इसकी थिकनेस पे, तो आप जितना थिक बोर्ड यूज़ करेंगे पार्टीशन के लिए अगर आप कर रहे हैं या रूम बना रहे हैं तो उतना साउंड इंसुलेशन कम होगा, ये जनरल सी बात है। और हम बात करते हैं केमिकल स्टेबिलिटी की। इस बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता डाइल्यूटेड केमिकल्स जैसे ब्रिंस ब्लीचर्स डिटर्जेंट और क्लोरीन सॉल्यूशन से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। काफ़ी स्टेबल मटेरियल है गाइस, और इजीली कट हो सकता है, इजीली ड्रिल हो सकता है, तो बेसिकली आप हाथ से भी इसको जो सॉ होता है उससे कटिंग कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। इसमें इजीली नेल से जा सकता है, स्क्रूज हम डाल सकते हैं। इसका सर्फेस बहुत स्मूथ है गाइस, ये मुझे इसकी मैं इस प्रोडक्ट को इस बात में मानूंगा कि इसका सर्फेस बहुत स्मूथ है। तो अगर आप किसी वर्टिकल वॉल में इसको लगा रहे हैं, आपका एक वॉल है जो रफ हुई हुई है, आप चाहते हैं कि आप प्लास्टर नहीं करवा के मैं फटाफट कुछ ऐसा लगा लूँ सफाई से हो जाए, तो ये बहुत ही चीज़ आपको कुछ नहीं करना है, इसको लगाना है, फिक्स करना है, एंड देन यू कैन अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ एडहेसिव पेंट्स और प्राइमर्स। सिंपल ड्यूरेबिलिटी, ये जो कंपनी बोलती है कि ये जो बोर्ड है बेसिकली वो -40 degrees से लेके +90 degrees Celsius तक टेम्परेचर को स्टैंड कर सकता है, जो कि बहुत अच्छा है। और डायमेंशंस की बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास यार जो बहुत सैंपल है वो
ये जो सैंपल है जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली 6 mm का है मेरे पास, ये 18 mm का है देख सकते हैं, 20 mm का भी है मेरे पास, इसमें 40 mm तक आते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो जितना आपको थिक सैंपल चाहिए वो आपको कंपनी से प्री ऑर्डर करना पड़ता है अभी डायमेंशंस। और जो बोर्ड आते हैं वो बोर्ड दो डिज़ाइन में आते हैं, दो साइज़ के आते हैं, 8 फिट बाय 4 फिट और 10 फिट बाय 4 फिट। सो अगर आपका बड़ा काम है तो आप बड़े बोर्ड्स लें, छोटा काम है तो छोटे बोर्ड्स लें। और बात करते हैं हैंडलिंग, ज़्यादा भारी नहीं होता है तो दो लोग इसको ईजिली उठा सकते हैं। बस इसको इसका एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप कोई भी इसको स्टोर कर रहे हैं, मान लो आप कहीं से गाड़ी मंगा रहे हैं अपने साइड पे, तो इसको प्रॉपरली इसको रखें, इसको टेढ़ा नहीं रखें, इसको ऐसे नहीं रखें, और बीच में आप इसको प्रॉपर सपोर्ट दें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी, नहीं तो आपने अगर इसको स्लांटली रख दिया सोचा प्लाईवुड की तरह तो ये शायद बैंड हो सकता है। और टेल टू सिंग हो जाता है, फिक्सिंग हो जाती है, हर एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ ये काफ़ी कंपैटिबल हो जाता है। और बात करते हैं हम इसकी, हाँ लेमिनेशन वाली बात, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो गाइस यूजुअली क्या होता है, ये इसका जो टेक्सचर है वो सीमेंट का है, तो आप लोग सोच रहे हैं यार मैं नहीं चाहता कि मेरे को सीमेंट का टेक्सचर हो, मेरे पास कोई और कलर का टेक्सचर हो, तो डेफिनेटली आप इस पर काफ़ी सारी चीज़ें लगा, पीवीसी लगा सकते हैं, आप इस पर फॉइल्स लगा सकते हैं, आप इस पर वीनियर लगा सकते हैं, वॉलपेपर्स भी लगा सकते हैं, बस ध्यान रखें उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग एडहेसिव लगाना पड़ेगा। तो आप अपने नियरेस्ट स्टोर पे जाके, किसी भी आउटलेट पे जाके, जो इनके जो डीलर्स हैं आप उससे डेफिनेटली कंसल्ट करेगी यार, अगर हमें इस टाइप का कुछ इसको डेकोरेट करना है विथ एनी मटेरियल तो कौन सा इसके साथ कंपैटिबल होगा। और अगर कोई दूसरी कंपनी है तो उसमें भी अपना अपना एक कंपैटिबिलिटी का डिटेल्स होती है। आप इस पर टाइल्स भी लगा सकते हैं, बिल्कुल टाइल्स के लिए एडहेसिव आपको स्पेशली लेना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा, और सील करने के लिए पार्टीशंस में लगा सकते हैं आप इसको। और गाइस मेरे पास काफ़ी सारी डिटेल है यार, मेरे पास 48 पेज का मेरे पास इसका डिटेल है, बट हमारे लिए सारा जानना ज़रूरी नहीं है। तो गाइस ये सब है, तो एडवांटेज पढ़ लेते हैं यार, इसमें भी लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, मतलब मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। तो इसके एडवांटेजेस थोड़ा पढ़ लेते हैं कि यार सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कि एक तो टर्माइट रेजिस्टेंस है डेफिनेटली, हालांकि इसमें वुड पार्टिकल है बट वो कंटेंट बहुत कम है, और क्योंकि ये सीमेंट से पूरा कवर है तो टर्माइट का कोई लफड़ा नहीं है, फायर रेजिस्टेंस इसकी हम बात कर सकते हैं, मॉइस्चर का भी कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छा, इसका स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट ये 6 mm का सैंपल भी बहुत अच्छा है, हालांकि टूटा हुआ है क्योंकि मैं एक साइड से लेके आया था। इकोनॉमिकल भी है ये, प्लाईवुड से मुझे ज़्यादा सस्ता लगा है। और एलिगेंस, एलिगेंस के मामले में अगर देखा जाए, किसी को अगर सिंप्लिसिटी पसंद है विद ग्रे कलर तो यार ये सबसे अच्छा मटेरियल है। तो साउंड प्रूफ भी है ये, मैंने आपको बता दिया, बस इसको लगाते समय थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा कि जो लगाने वाला कॉन्ट्रेक्टर हो, लेबर्स हो, वो थोड़ी स्मार्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब दो बोर्ड्स ज्वाइंट होते हैं तो प्रॉपरली ज्वाइंट हो, उसके बाद में बीच में लेयरिंग हो। और ये सब मोस्टली मेरे पास ये डेटा है, फ्लोरिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। और इसमें अलग अलग चार्ट्स है कि अगर आपको फ्लोरिंग में लेना है तो कितने एमएम का जा सकते हैं, तो फ्लोर्स अगर आपको फ्लोरिंग के लिए इसको यूज़ लेना है तो आपको जो पैनल है वो 16 mm से ऊपर लेना पड़ेगा, मैं डेटा बता दो। पार्टीशन के लिए आप अगर आप ले रहे हैं तो 10 mm से लेके 12 mm तक, अगर आप वॉल क्लैडिंग के ले रहे हैं तो भी 10 से 16 mm, फॉल सीलिंग में अगर आप लगाना चाहते हैं इसको लगा सकते हैं बिल्कुल, तो 6 mm और 8 mm। फ्लोर्स के लिए बता दिया मैंने, अलमीरा अगर बनाना चाहते हैं तो 12 mm से 20 20 mm, फर्नीचर्स में 6 से लेके आप 12 mm जो चाहे वो ले सकते हैं, साइन बोर्ड बनाना चाहते हैं तो 12 से 16, डोर्स बनाना चाहते हैं तो 8 से 16। हालांकि इसमें 40 mm का जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट मेरा मानना है अगर आप चाहे पार्टीशन करना चाहते हैं जो काफ़ी थिक हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, मेरे हिसाब से बट उसका कॉस्टिंग शायद हाई जा सकता है, तो उस केस में आपके पास शायद अलग अल्टरनेटिव्स आ सकते हैं। तो भाई इसका जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि अभी मैंने जो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ देख रहा हूँ, बेसिकली एक तो पार्टीशंस में तो यूज़ होता ही है, अभी मैंने रिसेंटली सीलिंग में भी देखा था, इस पर बेसिकली होता क्या है, काफ़ी अच्छा पेंट हो जाता है। तो अगर आप नॉर्मल पेंट करवा रहे हैं इस पर, मान लो आप वुडन टेक्सचर का ब्राउन पेंट करवा रहे हैं और इसको आप लगाते हैं तो काफ़ी ऐसा लगता है कि यार आपने लकड़ी जैसा कुछ लगाया हुआ है। इसका जो सबसे अच्छा यूज़ है कि यार ये एक तो फास्टली इससे आप पूरा घर बना सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि इसमें जो 40 mm की जो शीट्स आती है वो एक्सटर्नल के हिसाब से बहुत अच्छी हो सकती है, आप उसको फिट कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। तो जैसे मान लो कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, आपके फार्म हाउस है, आपको एक टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाना है, आपको स्टोर शेड्स बनाना है, आप चाहते हो कि यार टेम्पररी कुछ ऐसा हो, डिजास्टर में जो हाउसिंग होती है आपको कुछ ऐसा बनाना हो जो क्विकली बन जाए और एक ऐसे रिमोट लोकेशन में बन जाए जहाँ ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत ना हो, तो बेसिकली ये एक बेस्ट मटीरियल है पूरा घर बनाने के लिए। इसमें आप बेसिकली फॉर्म वगैरह डाल के इसमें और टेम्परेचर के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, इंसुलेशन के हिसाब से, तो
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब एक दो चीज़ जो इसमें लोग गलत कर रहे हैं, वो जो नहीं करना चाहिए, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, कि मतलब काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि यार इसमें लोग सीएनसी कटिंग करवा के सीएनसी पैनल्स बना रहे हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप इसकी जो सीएनसी कटिंग होती है उसमें स्मूथनेस इतनी नहीं आती, उसमें जो जो कट होता है, जो अंदर लगता है, उसमें वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होता। क्योंकि अगर आप नियर से भी इसको देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं ये भी कट हुआ है, तो इसमें ये जो वुड के चिप्स होते हैं वो कॉर्नर से हल्के हल्के से बाहर आने लग जाते हैं, और इसका कॉर्नर भी कितना स्मूथ नहीं होता जितना दूसरे मटीरियल्स का होता है। जैसे एमडीएफ बहुत ही स्मूथ मटीरियल है, सीएनसी होने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है, एसीपी में भी होती है सीएनसी। तो सीएनसी के लिए इट्स नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। और मैं तो सबसे हमेशा यही कहता हूँ कि आप हमेशा अपने आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइन या किसी सिविल इंजीनियर से कंसल्ट करें जिन्होंने काम किया है। और गाइस ये सब चीज़ें, हाँ जॉइंट की एक और चीज़ है मैं बताना भूल गया हूँ, आपको बता देता हूँ। तो अगर आप किसी भी बोर्ड को जॉइंट कर रहे हैं नेल से, मान लीजिए ऐसे, शायद आपको दिख रहा होगा, हाँ, तो यहाँ पे जो नेल लगेगा इसको जॉइंट करने के लिए, उस नेल का भी एक साइज होता है। तो जो नेल का साइज होता है, मेक श्योर दैट के वो फोर, जो इसका इससे 1/4 होना चाहिए, उसका डायमीटर लेस देन 1/4 और 1/4 होना चाहिए, तब ये अच्छा जॉइंट हो जाएगा। अगर आपने उससे ऊपर जॉइंट कर दिया तो डेफिनेटली ये साइड में से उखड़ जाएगा। तो इसके चिपकाने के और भी अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एडहेसिव आते हैं, तो आप सब जो चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि यार इसके बारे में और कुछ भी जानना चाहते हो और मैं और स्पेसिफिकली कुछ इसके बारे में बताऊँ, तो डेफिनेटली जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप इसके बारे में और कुछ आपको लगता है कि इसमें कोई इशू है अपनी तरफ से, डिफरेंट लिखें, क्योंकि मैंने एक दो जगह इसको थोड़ा सा कहीं बैंड होते हुए देखा हुआ, तो हो सकता है उसके कुछ और रीजंस हो, क्योंकि इस मटेरियल पे अभी भी थोड़ा सा डाउट चल रहा है लोगों को, बिकॉज इस मटेरियल को पूरा एक्सपोजर नहीं मिला मार्केट के अंदर अभी। तो अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो अपने भी रिव्यूज प्लीज मुझे दें डेफिनेटली, क्योंकि इट्स लाइक आप मुझे सिखाएं, बिकॉज आई बिलीव इन द प्रिंसिपल, यू नो, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। सो आई यू लाइक इट, सो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।